आइए आइए जी, वेलकम है, वेलकम है, आइए 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 आइए। ए गणपत। हाँ क्या हुआ? अरे बालवीर ने नया पार्सल भेजा है, जरा इसको हवालात का दरवाजा तो दिखा। अरे वाह क्या बात है, हाँ आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए महाराज आइए। शायद वहां विजहार परी का दंड हो। नहीं गाल परी, हम पूरा परीलोक देख चुके हैं, यहाँ कैसे होगा? पर परीलोक से बाहर कैसे जा सकता है मेरा दंड? अब इसका पता तो रानी परी ही लगाएगी। चल, लेकिन लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार यहाँ ढूंढ लेना चाहिए। चल। खुश रहो सभी परियां, खुश रहो। हमें रानी परी से मिलना है। है मिलना क्यों रानी परी से? वो तो हम रानी परी को ही बताएंगे। डूबा डूबा तीन, तुम उनसे जाकर कहो कि हम सारी परियां उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। है ठीक। ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया बालवीर। लेकिन दोस्तों एक बात बता, तुम दोनों इतनी छोटी उम्र में मेहनत क्यों करते हो? ताकि हमारी बहन पढ़ सके। पढ़ना तो तुम दोनों को भी चाहिए। हमारी किताबों के लिए पैसा कैसे लाएगा? अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम दोनों पढ़ोगे? हाँ जरूर। तो फिर ठीक है। हे नटखट परी, एक आवाज पर जादू चल पड़े, मिल जाए बच्चों को शिक्षा का जादुई बस्ता और नए कपड़े। दोस्तों ये बस्ता जादू है, तुम जिस कक्षा में पढ़ोगे उस कक्षा की किताबें अपने आप इस बस्ते में आ जाएंगी। शुक्रिया बालवीर। तुमने हमारा पढ़ने का सपना पूरा कर दिया। दोस्तों अब मन लगा कर पढ़ना, पूरी मेहनत करना पढ़ने में, वरना इस जादुई बस्ते का जादू अपने आप चला जाएगा, समझे? क्या आपको यकीन है विजधार परी कि आपने सोते समय अपना दंड अपने पास रखा था? हाँ रानी परी, मुझे अच्छी तरह से याद है। रानी परी, परीलोक में इससे पहले किसी भी परी का दंड गायब नहीं हुआ है। जरूर कोई है जो हम सबसे चोरी छुपे कोई साजिश रच रहा है। आपको अगर किसी पे शक है तो नाम क्यों नहीं लेती नटखट परी? मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है भयंकर। भली परी, और मुझे पूरा यकीन है जल्द से जल्द सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूं। विराम। ये सब क्या है भली परी, नटखट परी? इस समय समस्या किसी का सच या झूठ जानने की नहीं है, बल्कि विजधार परी का दंड जो कहीं खो गया है उसे वापस लाने का है। और हम अपनी जादुई चुंबकीय शक्ति से वो खोया हुआ विजधार दंड अपने पास वापस खींच लेंगे। तौबा जी, जरा जल्दी कीजिए क्योंकि सूरज की रोशनी आने से पहले हमें ये सुरंग का काम पूरा करना है। अरे है हम लोग जमीन के नीचे, नहीं पहुंचेगी यहाँ तक सूरज की रोशनी, इतना भी पता नहीं तुम दोनों को? अरे हाँ तारास, हमें कैसे पता चलेगा कि सूरज निकला भी है कि नहीं?
तो चलो बाहर, परिलोक के समय दिखाओ यंत्र में जाकर देखकर आते हैं कि सूरज निकलने में कितना समय है। हाँ, हम समय देखकर आते हैं, तब तक तुम, तब तक आप श्री श्री तौबा तौबा जी सुरंग खोदने का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। निकलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी, फटाफट। आएंगी नहीं ये तो चलती, और है पता मुझे कि है समय बहुत सुबह होने में बाकी है, तो सो लेता हूँ थोड़ी देर, पहले आराम फिर काम। हाँ, पर रखना होगा इस जादुई दंड को संभाल कर, कहीं होना चाहे इधर उधर। करूँ क्या करूँ क्या, हाँ बांध लेता हूँ इस जादुई दंड को अपने साथ, फिर कहीं नहीं जाएगा ये। अरे रानी परी को बता दी है। हाँ, और रानी परी अपनी चुंबकीय शक्ति से विजदार दंड को अपनी ओर खींच रही है। अरे बचाओ नारायण तारा, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे तौबा तौबा, तुम्हें अपनी पड़ी है, सोचो अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो हमारा क्या होगा, रानी परी तो हमें भयंकर परी से भी भयंकर सजा देगी। अरे तो करूँ क्या मैं, रोको कैसे खुद को वहाँ पे जाने से, अरे सोचो कुछ तो सोचो। तौबा तौबा, एक काम करो, वो जो रस्सी जिससे डंड बंधा हुआ है ना, उसको खोल दो और वीर डंड को आजाद कर दो। अच्छा। अरे अरे बेवकूफ, क्या कहा तुमने मुझे, बेवकूफ कहा क्या, अगर अब कुछ बोलो ना तो वहीं पे टंगे रहना, ऐसे अपनी तरफ से नहीं वहाँ ऊपर से खींचो। तौबा तौबा, अगर डंड के साथ रस्सी चली गई ना तो रानी परी को शक हो जाएगा। तौबा तौबा, सुरंग से बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच चुका है, अब उसे सुरंग से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और हमें परिलोक से बाहर निकलने से भी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा हुआ कि तुमने सही समय पे वो डंड अपने से अलग कर दिया, नहीं तो मैं करता सही काम सही समय पर, वरना हो गया था परी भयंकर का खेल खत्म।
पर तो परी बाग की मिट्टी लगी है। परी बाग की मिट्टी? परी बाग में तो हम सब परियों ने विषधार परी के डन को ढूंढ लिया था। विराम, क्या बात है परियों? वही रानी परी जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रही हूँ कि जब विषधार परी ने अपना दंड सोने से पहले अपने पास रखा था तो फिर वो दंड परिभाग में कैसे पहुंच गया? जरूर इसे किसी ने चुराने की कोशिश की होगी। सही कह रही हैं आप नटखट परी, जरूर इसे चुरा कर इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके कोई परी इस परिलोक पर राज करना चाहती है ना? चोरी जैसा शब्द परिलोक में बोला जाए ये अच्छी बात नहीं है। तो आप ही बताइए ना बाल परी, ये धन परिबाग कैसे पहुंचा? चलकर या उड़कर? नटखट परी, विषधार परी का दंड परिबाग में किसी और वजह से भी तो पहुंच सकता है ना? और वो वजह मैं आपको बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि ये दंड परिबाग कैसे पहुंचा। आपको पता है भली परी कि विषधार परी का दंड परिबाग कैसे पहुंचा? जी हाँ, हम सभी परियों के शयन कक्षों की रखरखाव की जिम्मेदारी डुबा डुबा दो की है, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण वो थोड़े भुलक्कड़ हो गए हैं, इसीलिए सबका सामान यहाँ वहां रख देते हैं। और इस बात की गवाही आपको बाल परी भी दे सकती है। हाँ रानी परी, ये बात सच है, कल ही डुबा डुबा दो ने भली परी का कुछ सामान हमारे कक्ष में रख दिया था। हो सकता है कि विषधार परी का डन भी साफ सफाई करते हुए वो परिपाक में भूल गए हो। लेकिन बाल विराम, नटखट परी, हर बात पे संदेह करना और सत्य को असत्य समझना ये सही बात नहीं है। जरूरी ये था कि सही समय पर हमें विषधार परी का डन मिल जाए, जो हमें मिल गया है, इसलिए इस समय बाकी सब भूलकर कल होने वाले परी उत्सव के बारे में हमें सोचना चाहिए। परी उत्सव में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। खुश रहो परियो। खुश रहो रानी परी। पूछो मत यार, मेरा कल क्या हाल हो गया था। जा जाकर परेशान हो गया था। ये तो शुरुआत है मोंटू, जल्दी ही तुम पर इससे भी बड़ी शामत आने वाली है। अब क्या करेंगे बॉस? इतनी बड़ी छतरी? बॉस बारिश आने वाली है। नहीं रे, तबला यहाँ पर है, तो मोंटू बॉस तालवीर जी को बुलाएंगे ना, है ना बॉस? राइट रोहित, मैं तालवीर जी को बुलाने वाला हूँ। थैंक यू बॉस। तालवीर जी हर बार मेरे सर पे लैंड करते ना, इसीलिए मैंने ये छाता लाया। मैं इसे खोल के खड़ा रहूंगा, मैं उनको दिखूंगा ही नहीं तो वो मेरे ऊपर आके गिरेंगे ही नहीं, समझा? वाह बॉस वाह, क्या आइडिया है। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। अरे बस करो, तबला बजा तबला। हाँ बस बजा दे। चुप, क्या हंस रहे हो? उतारो इसे। हाँ बस। क्या तालवीर जी, अब फिर से मेरे कंधे के ऊपर आके गिरे? अरे वो क्या हुआ ना, जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे लगा नीचे कोई बड़ा सा काला पत्थर है, लेकिन
लेकिन वो निकला चाहता और उसके नीचे निकले तुम, बोलो अब मैं क्या करूं? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे क्यों बुलाया? मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था। बढ़िया नाचने के लिए चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करने के लिए। अरे वो तो मैं भी कर सकता हूँ, ये लो। अरे मुझे कुछ नहीं करनी है तो फिर तुम्हारे दोस्तों को? अरे तालवी जी, ना मुझे कुछ नहीं करनी है ना मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करनी है, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मानो अपना डांस भूल के दिन भर खुजली 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 करता रहे। दे दो मोंटू को खुजली वाला पाउडर। ठीक है अभी देता हूँ। जादू का चक्कर, मोंटू को दे दो खुजली वाला पाउडर। ये लो मोंटू, जबरदस्त खुजली वाला पाउडर। ये जिस पे गिरेगा वो खुजली कर करके गिर जाएगा। थैंक यू तालवीर जी, अभी जाकर उस मानव को खिलाता हूँ। अरे रुको, इसे खिलाना नहीं है, इसे छिड़कना है, समझ गए? पक्का छिड़कना है? हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं मोंटू बॉस। हाँ तो ठीक है मोंटू बॉस, आप ये पाउडर मुझे दे दीजिए, मैं आप पे छिड़कता हूँ और ट्राई करता हूँ। कुछ टेस्ट वगैरह नहीं करना है, सीधा टेस्ट अभी मानव पे करेंगे। चलो रे। बालवीर, कहा क्यों तुमने मोंटू को मानव पे खुजली वाला पाउडर डालने के लिए? क्योंकि भले ही मोंटू ने खुजली वाला पाउडर मानव पे डालने के लिए लिया, पर उसका असली मजा मोंटू ही लेगा। बहुत शौक है ना मोंटू को दूसरों पे खुजली पाउडर डालने का। अब देखना मैं मोंटू को कैसा सबक सिखाता हूँ।